हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट, सिविल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं फ्रेंड्स, वो है डॉगलेग्ड स्टेयरकेस के बारे में। मोस्टली जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती है फ्रेंड्स, हम लोग डॉगलेग्ड स्टेयरकेस ही प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप से फर्स्ट फ्लाइट होती है, फर्स्ट फ्लाइट के बाद में मिड लैंडिंग होती है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है मिड लैंडिंग पार्ट है, फर्स्ट फ्लाइट है, एंड ये जो सेकेंड फ्लाइट है, एंड सेकेंड फ्लाइट के बाद में अगेन फ्लोर लेवल पे लैंडिंग आ जाती है। ये बेसिक जो डॉगलेग्ड स्टेयरकेस है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये आप लोगों को इसकी रिइंफोर्समेंट, इसमें राइजर्स, इसमें ट्रेड एंड किस टाइप से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इसकी शटरिंग भी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये जो स्टेयरकेस की, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये रिइंफोर्समेंट है। ये रिइंफोर्समेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो है ट्रेड एंड राइजर की शटरिंग एंड इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बेसिक बता देता हूं फ्रेंड्स। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से ये रिइंफोर्समेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। ये BBS फॉर स्टेयरकेस है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ हर एक चीज़। इसमें जो मेन बार्स क्या होती है फ्लाइट की, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्या होती है, जो स्लैब से बार निकलती है वो किस टाइप से निकलती है, एंड इसकी लेंथ कितनी प्रोवाइड करते हैं, मिड लैंडिंग में किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं बार्स, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं स्टेयरकेस की डिटेल्स बताऊं, किस टाइप से रिइंफोर्समेंट करते हैं, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं फ्रेंड्स, किस टाइप से इसकी शटरिंग होती है, किस टाइप से आप लोग देख सकते हैं मिड लैंडिंग लेवल होता है, एंड मिड लैंडिंग लेवल से देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट। ये जो होती है, जो फ्लोर लेवल है वो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल से जो मिड लैंडिंग तक के जो फर्स्ट आता है स्लैब, उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट, एंड मिड लैंडिंग लेवल से जो फ्लोर लेवल से अगेन जाता है उसको बोलते हैं सेकेंड फ्लाइट। इसमें फ्रेंड्स राइजर जो होता है, जनरली हम लोग 152 राइजर जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो वर्टिकल है इसको बोलते हैं राइजर, एंड जो हम लोग फुट हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं ट्रेड। ये ट्रेड फ्रेंड्स जो है जनरली हम लोग 300 mm प्रोवाइड करते हैं। एंड ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसकी शटरिंग किस टाइप से, लाइन दोरी देखेंगे फ्रेंड्स वो वहाँ से, ये लाइन दोरी से हम लोगों ने प्रॉपर ऊपर तक के रख किया हुआ है, एंड ये जो स्लैब की डेप्थ होती है वो उस प्रॉपर मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब की थिकनेस। एंड इस टाइप से जो भी टप्पे होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं आप लोगों को जो कॉन्क्रीटिंग कर चुके हैं फ्रेंड्स, उसका अगर मैं बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग कर चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मिड लैंडिंग लेवल है। तो ये जो पार्ट होता है, ये आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो पार्ट होता है इसको राइजर बोलते हैं, 150 mm टू 180 mm होता है। एंड ये जो पार्ट है, गेज वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये जहाँ पे हम लोग फुट रखते हैं, ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रेड। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 300 mm की विड्थ होती है। एंड ये जो है फ्रेंड्स फ्लाइट की, इस टाइप से जो लेंथ है जनरली 1500 mm प्रोवाइड करते हैं और एज पर ड्राइंग। एंड ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सेकेंड फ्लाइट गई है, सेकेंड फ्लाइट की फ्रेंड्स शटरिंग किस टाइप से करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी वेज स्लैब गई है, ये आप लोग बॉटम है, एंड ये जो वेज स्लैब की साइड है उसकी शटरिंग किया हुआ है एकदम प्रॉपर। एंड ये जो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिड लैंडिंग की भी शटरिंग किया हुआ है, ये आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मिड लैंडिंग की शटरिंग किया हुआ है। एंड ये जो थिकनेस है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो थिकनेस होती है ये वेज स्लैब की थिकनेस होती है। ये मैंने आप लोगों को जो लाइन दूरी बताया ऊपर, ये जो है ये वेज स्लैब की जो है डेप्थ होती है, ये एक्ट करता है फ्रेंड्स एज अ स्लैब ओनली। ये आप लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स किस टाइप से स्टेयरकेस की शटरिंग करते हैं, कॉन्क्रीटिंग होने के बाद में कैसे स्टेप्स दिखते हैं, एंड ये देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड फ्लाइट किस टाइप से होती है। एंड मैं आप लोगों को फ्रेंड्स, ये स्टेयरकेस की जो वेज स्लैब की जो डेप्थ है वो कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। ये जो आप लोग देखेंगे, ये जो है ये राइजर, एंड ये जो लाइन दोरी आप लोग देखेंगे, ये जो लाइन दोरी है, ये लाइन दोरी में हम लोग परपेंडिकुलर फ्रेंड्स देखते हैं, ये आप लोगों को विजिबल होगी, ये लाइन दोरी तो आप लोगों को परपेंडिकुलर 175 mm अगर थिकनेस है
जो वेट स्लैब की जो प्लाई होती है उससे हम लोग 90 डिग्री में चेक करते हैं। तो इससे फ्रेंड्स जो है हम लोगों को मालूम पड़ता है कि स्लैब की थिकनेस कितनी है, ये प्रॉपरली मेंटेन करना है। बोथ साइड में है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये साइड में भी लाइन दोरी बांधा हुआ है जिससे हम लोग प्रॉपरली मेंटेन किए हैं। एंड ये शटरिंग किए हुए हैं जो है वो है स्टेप्स की शटरिंग, राइजर एंड ट्रेड। एंड ये जो फ्रेंड्स जो वेट स्लैब की जो लेंथ होती है यहाँ से हम लोग लाइन दोरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वहाँ से प्लम बॉब गिरा के लेंथ भी चेक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, साइड पे चेकिंग भी, ये चेकिंग। एंड आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ गया फ्रेंड्स किस टाइप से हम लोगों की स्टेयरकेस होती है, ये आप लोगों को डॉगलेग स्टेयरकेस समझ में आ गया। एंड यहाँ से ये देख सकते हैं ये जो फ्लोर लेवल का जो होता है, ये आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स ये जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से जो मिड लैंडिंग, ये फ्लोर लेवल का फ्लोर है, मीन्स फ्लोर लेवल से जो डॉवेल्स निकलती है, इस टाइप से डॉवेल्स निकलती है आप लोग देखेंगे ये। एंड ये डॉवेल्स जो है ये मेन बार होती है जो वेट स्लैब की एंड मिड लैंडिंग लेवल में जाती है। एंड मिड लैंडिंग से अगेन सेम बार्स आती है एंड फ्लोर लेवल पे आती है। ये मैं बार्स आप लोगों को डिटेल में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो आप लोग ये वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहना फ्रेंड्स। ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स किस टाइप से फ्लोर लेवल के बाद में हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि किस टाइप से मेन बार्स जाती है एंड मेन बार्स मिड लैंडिंग लेवल पे टर्मिनेट होती है एंड वहाँ पे लैपिंग होती है। जब हम लोग कॉलम की कॉन्क्रीटिंग करते हैं वहाँ पे हम लोग डॉवेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो डॉवेल्स जो है लैपिंग होती है। अभी हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कौन सी मेन बार होती है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती है, कौन सी ये जो है कर्टेल बार होती है ये साइड में स्टार्टिंग में, कौन सी मिड लैंडिंग में, किस टाइप से हम लोग एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करते हैं मिड लैंडिंग लेवल पे, ये सब मैं डिटेल बताने वाला हूँ। ध्यान रखना फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी बार्स है मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट फ्लाइट है फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें जो फर्स्ट बार जो जाने वाली है स्लैब लेवल से निकलने वाली है वो है मेन बार। ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये 12 mm की ये जो बार है, ये जो है फ्रेंड्स मेन बार है। ये आप लोग देखेंगे ये जो बार गई है ये जो है इसको बोलते हैं मेन बार। ये जो मेन बार है फ्रेंड्स जो है ये यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जो फ्लोर लेवल से बॉटम से निकल के आप लोग देखेंगे फ्लोर लेवल से बॉटम से जा रही है, बॉटम से जाने के बाद में जो मिड लैंडिंग है मिड लैंडिंग में टॉप में चले जाती है फ्रेंड्स। आप लोग देखेंगे मिड लैंडिंग में टॉप में जा रही है, ये आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स इस टाइप से ये जो बार है ये बार जो है टॉप में जो है फ्रेंड्स, ये हम लोगों की बार जो है ये टॉप में इस टाइप से आ रही है। ये देखेंगे ये जो है टॉप में बार आ रही है, मेन जो फ्रेंड्स मेन बार है फर्स्ट फ्लाइट की वो इस टाइप से आ रही है। एंड वो बार फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जो लेवल है कौन सा लेवल है फ्रेंड्स, मिड लैंडिंग लेवल, मिड लैंडिंग में टॉप की बार हो जा रही है। एंड टॉप की बार यहाँ से आप लोगों की जो टॉप की बार है वो यहाँ पे लैपिंग हो जा रही है, आप लोग देख सकते हैं ये लैपिंग हो जा रही है। इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ें, आप लोग या तो ये जो बार है ये बार को आप लोग मेन जो ये डॉवेल्स निकली हुई है कॉलम से उससे लैप कर सकते हैं, या तो आप लोग ये जो बार है ये बार को भी हम लोग लैप कर सकते हैं, ये जो बार है इसको हम लोग यहाँ तक के ही प्रोवाइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बार को भी हम लोगों ने एंडिंग तक प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो है एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रेंड्स ये बार जो है नीचे तक के नहीं जा सकती, इसलिए अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अगर मेन बीम रहती थी तो ये जो बार है यहीं पे टर्मिनेट हो जाती थी एंड दूसरी बार है उस पर रेस्ट होती थी। इस टाइप से हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेन बार, ये जो है फर्स्ट बार है फ्रेंड्स फर्स्ट फ्लाइट की। सेकेंड जो बार होती है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये आप देख सकते हैं मेन बार में ये जो हॉरिजॉन्टली बार्स प्रोवाइड किया हुआ है ये जो बार है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये 10 mm की बार्स है, इसकी स्पेसिफिंग एंड जो है एज पर ड्राइंग आप लोगों को फॉलो करना है। आप लोग देख सकते हैं इसकी स्पेसिंग है, तो ये आप लोगों को सेकेंड बार
फ्लाइट की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा किस टाइप से ये बार प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड बार, जो थर्ड बार है फ्रेंड्स, थर्ड जो बार है वो है फ्लोर लेवल से जो है 600 mm निकली हुई है। मैं आप लोगों को वहां जाके बताऊं फ्रेंड्स, जो थर्ड बार है फ्रेंड्स इसकी फ्लाइट की जो है ये वाली जो बार है, ये वाली बार थर्ड बार है। ये आप लोगों को जो वेस्ट स्लैब की लेंथ होती है, ये जो लेंथ होगी वेस्ट स्लैब की, उसकी L/3 लेंथ में प्रोवाइड करना है। आप लोग उसमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं और 600 mm भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस टाइप से अगर डिज़ाइन होगी। जनरली हम लोग L/3 लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं कोई, क्योंकि ये एक्ट होता है एज अ स्लैब ओनली। नेक्स्ट जो होती फ्रेंड्स, ये वाली जो बार है, ये वेस्ट स्लैब की जो फर्स्ट जो स्लैब से निकली हुई है वो जो है बार थर्ड नंबर की बार है। फोर्थ जो बार है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बार को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है फोर्थ नंबर की बार, आप लोग देखेंगे ये फोर्थ नंबर की बार है। ये आप लोगों को ड्राइंग में गिवन होगा, मैं आप ऑलरेडी आप लोगों को ड्राइंग एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसमें डिटेल में आप लोगों को स्पेसिंग डाया सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल अप्रोच सिर्फ बता रहा हूं कि किस टाइप से प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो फोर्थ बार है फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम लोग जो है चेयर्स, ये आप लोग देख सकते हैं चेयर से जो है 150 mm जो स्लैब की डेप्थ है वो मेंटेन करके रखते हैं कवरिंग के साथ में। आप लोग देख सकते हैं इसमें कवर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग देखेंगे प्रॉपरली कवर भी प्रोवाइड किया हुआ है। फोर्थ आप लोगों को फर्स्ट मेन बार हो गई, सेकेंड जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो गई फ्लाइट की, थर्ड जो है आप लोगों को ये बार्स हो गई, फोर्थ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो गई, फिफ्थ जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मिड लैंडिंग लेवल पे ये जो बार्स है, ये जो टॉप की बार्स है, ये आप लोगों को थर्ड जो है कैलकुलेट करना है। ये जो मिड लैंडिंग लेवल पे जो फिफ्थ जो बार है ये कैलकुलेट करना है स्टेयरकेस में। ये जो है ये आप लोग देखेंगे जो वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब में जो टॉप की बार है, टॉप की बार जो है उसमें मिड लैंडिंग में बॉटम की बार बन गई है, एंड बॉटम की मेन बार बनी है। ये आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है ये यहाँ से स्टील जा रहा है एंड यहाँ पे बॉटम की बार बन गई है। जो मिड लैंडिंग लेवल है उसमें बॉटम की बार बन गई है, एंड ये जो है आप लोगों की फिफ्थ जो है बार है, एंड इसकी भी जो लेंथ है L/3 और 600 रहती है। माइनर चेंजेस होता है, समटाइम्स 450 mm भी रहती है फ्रेंड्स, ये एज पर डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो सिक्स जो बार निकालेंगे आप लोग, सिक्स बार ये आप लोगों इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने के बाद में, इसकी स्पेसिंग लेंथ सब निकालने के बाद में आप लोग मिड लैंडिंग लेवल पे आ जाइए फ्रेंड्स। मिड लैंडिंग लेवल पे आप लोगों का जो बार है वो है ये आप लोगों की टॉप एंड बॉटम मैश है, टॉप एंड बॉटम मैश है। तो देख सकते हैं आप लोग जो है फर्स्ट ये आप लोगों की जो सिक्स टाइप्स की बार थी, वेस्ट स्लैब की बार थी, ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये मिड लैंडिंग पे बार। मिड लैंडिंग पे जो है आप लोगों की फोर टाइप की मेन बार होगी फ्रेंड्स। फोर टाइप की कैसे मेन बार होगी, एक होगी आप लोगों का जो है मैश, बॉटम मैश बन रहा है वो बन जाएगी, सेकेंड जो है आप लोगों का टॉप मैश बन जाएगा, एंड ये बॉटम में दो बार, टॉप में दो बार। आप लोग देख सकते हैं बॉटम की जो मैश है, ये आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो मेन बार है ये बॉटम की मेन बार आप लोग देखेंगे, ये ऊपर जाएगी एंड मेन बार बनेगी, नीचे हम लोगों ने देखा था। सेकंड जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, इसमें कॉलम की कॉन्क्रीटिंग हो गई है तो हम लोगों ने डॉवल्स प्रोवाइड किया था, उससे लैपिंग हो गई। टॉप की जो बार है, ये टॉप की बार ये डायरेक्शन में हो गई, एंड ये डायरेक्शन में भी टॉप की बार्स हो गई फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं इस डायरेक्शन में भी टॉप की बार्स प्रोवाइड किया हुआ है। इस टाइप से आप लोगों को बॉटम की बार्स एंड टॉप की बार्स प्रोवाइड करना है। एंड नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें जो है मिनिमम फोर बॉटम टू टॉप टू डाया ऑफ बार्स प्रोवाइड करना है।
एंड नेक्स्ट जो है आप लोगों को ये आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा है एल बाई थ्री लेंथ में जो बार है वो प्रोवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। ये जो नीचे हम लोगों ने देखा था उस टाइप से, ये फ्रेंड्स टिपिकली डॉकलेग्ड स्टेयरकेस है, इसमें इस टाइप से स्टील्स प्रोवाइड करते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं ये जो है प्रॉपरली आप लोगों को ये जो स्टेयर की ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है लैपिंग्स प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो डॉवेल्स है एंड इधर की जो बॉटम की बार है, मेन बार टॉप की बार बनती है, एंड इसकी जो टॉप की जो बार है एल बाई थ्री पे इसकी बॉटम की बार बन जाती है। एंड ये डायरेक्शन में आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार है। एंड जो ये जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, जो हम लोगों का लास्ट जो टप्पा बनता है ट्रेड एंड जो स्टेप बनता है, इसमें एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड किया हुआ है। एंड ये जो एक्स्ट्रा बार्स है यहाँ तक के प्रोवाइड किया हुआ है। समटाइम्स यहाँ पे बीम भी होती है फ्रेंड्स, जैसा भी होगा आप लोगों को, मेन है कि आप लोगों की जो मेन बार है वो एंडिंग तक कॉलम में बेयरिंग होनी चाहिए। एंड जो सेकेंड जो बार है ये भी सेकेंड बार आप लोगों की एंकरेज होनी चाहिए। बॉटम की बार टॉप बनती है, टॉप की बार बॉटम बनती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स एंड प्रॉपरली मेंटेन करना है। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो स्टेयरकेस का बेसिक जो पूरा फंडा था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रेड, राइजर, वेस्ट स्लैब, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, कर्टेल बार एंड मिड लैंडिंग पे बार्स कैसे होती है। एंड जो मिड लैंडिंग पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, मिड लैंडिंग की बीम एंड फ्लोर लेवल की बीम, ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है फ्लोर लेवल की बीम है क्योंकि फ्लोर पे आ रही है। एंड ये जो बीम है फ्रेंड्स मिड लैंडिंग पे है क्योंकि मिड लैंडिंग का जो लोड होगा वो मिड लैंडिंग बीम से कॉलम में ट्रांसफर होगा, इसीलिए मिड लैंडिंग लेवल पे भी हम लोग एक बीम प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं मिड लैंडिंग बीम। ये आप लोगों को मिड लैंडिंग बीम की बॉटम बार, टॉप बार, स्टीरअप्स, इसकी डिटेल्स आप लोगों को स्टेयरकेस ड्रॉइंग में मिल जाएगी। सो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टेयरकेस का कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा। इसमें आप लोगों को जब मैं कॉन्क्रीट की क्वांटिटी निकालूंगा, शटरिंग की क्वांटिटी निकालूंगा, जैसे आप देख सकते हैं ये वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब की जो है शटरिंग निकालूंगा, इसकी साइड्स निकालूंगा, वेस्ट स्लैब में ये जो बीम है फ्लोर लेवल पे बीम की क्वांटिटी निकालूंगा, तो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।